नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीवीज टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो दुर्गा की। गाइस, इधर दुर्गा के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से दुर्गा को बचाने पहुंचा है अनुराग और उसने ऑलमोस्ट दुर्गा को बचा लिया है, मगर यहाँ पर राजेश लास्ट में गन ट्रिगर गेम खेलता है और ऐसे में बंदूक की नोक पर दुर्गा और अनुराग को रखता है। ऐसे में अनुराग दुर्गा को बचाना चाहता है और दुर्गा अनुराग को बचाना चाहती है। इसी बीच अनुभव जो है राजेश के हाथ पर डंडे से वार करके उसके बंदूक को नीचे गिरा देता है, जिसे दुर्गा वहां से जल्द उठाकर अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है कि तभी उसी बंदूक पर दोनों जन का हाथ यानी राजेश का और दुर्गा का एक साथ चला जाता है और दोनों ही बंदूक की खींचतान में लग जाते हैं और खींचतान के चक्कर में दुर्गा के हाथों से गोली चल जाती है और वो गोली जाकर सीधे राजेश को लग जाती है। अब देख रहा है वो गोली जो है सीधे जाकर लगती है अनुराग को। जी हाँ, और अनुराग उसी समय वहां पर बेहोश हो जाता है और अब अनुराग को इस हालत में देखकर दुर्गा शॉक्ड हो जाती है, अनुभव भी शॉक्ड हो जाता है और राजेश भी, और राजेश के हाथ से वो बंदूक नीचे गिर जाती है, जिसके बाद दुर्गा उस बंदूक को उठाती है और सच में दुर्गा का रूप लेकर राजेश को जान लेने की उसे धमकी देती है। कहती है कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कुंवरसा के ऊपर गोली चलाने की, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर राजेश कुछ और ही गेम खेलता है। राजेश इस सब का सारा इल्जाम दुर्गा पर लगा देता है कि तुमने उसे गोली से मारा है। मैंने नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे डराया था, धमकाया था, मगर गोली तुमने चलाई है। जिसके बाद दुर्गा जो है वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से अनुराग की ये हालत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दुर्गा अब सही वक्त पर अनुराग का इलाज करेगी और इसके बाद पानीबा और विक्रम दुर्गा पर कड़े इल्जाम लगाकर उसको सजा सुनाएंगे और वो सजा भुगतती नजर आएगी या फिर अनुराग उसे उस सजा से बचा लेगा। क्या कहना है आपका इस आगे आने वाले ट्रैक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।